रहीम कवि ने अपने दोहों में बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जिन्हें अगर हम शिक्षा के रूप में ग्रहण करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। दोहे बहुत सरल, सुंदर, मनोहारी और मन को छूने वाले हैं। इन दोहों में अमृत है। इन दोहों के पास अगर हम चले आए तो हमारी जिंदगी बदल जाए। जैसे कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया तुम पान। कह रहीम पर काज हिके, कह रहीम पर काज हिके, संपत सचन बहुत प्यार से दुनिया वालों को यह सीख देते हैं कि कभी भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता, न नदी अपना पानी पीती है। वो दूसरे के कारण, दूसरे के काज के लिए जीवित रहते हैं। वृक्ष का फल दूसरा कोई खाता है, नदी का पानी दूसरा कोई पीता है। उसी तरह से जो सज्जन है वो संपत्ति इसलिए उसका संचय करते हैं कि वो दूसरों को दे सके, दूसरों की भलाई कर सके। तरवर फल नहीं खात है, सरवर कही रहीम पर काज हिके, संपत सच ही सुजान, संपत सच ही सुजान, संपत सच ही सुजान। ये सीख है कि अगर जीवन में कुछ पाना है, अगर लोक धर्म को निभाना है तो हम दूसरे के लिए जिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। दूसरों के लिए जैसे वृक्ष जीता है, जैसे नदी जिंदा रहती है, उसी तरह से हम परोपकार के लिए जीवित रहें, यही रहीम कवि सीख देते हैं। संपत्ति